सर्दियों में दोस्तों गुड़ वाली चाय बहुत अच्छी होती है। गुड़ मैंने डाल रखा मुँह में और मेरी दिन की पहली चाय हो गई है। ऊपर वाले छत में आके धूप भी सेक रहा हूँ। तो यार दोस्तों बुआ मेरी गिलास में नहीं लोटी में पी रही है चाय। ठंड का मौसम है, साथ में सेक रही है आग और बुआ ने रखी है आलू की सब्जी। ऊपर वाले अपने मालदार से पापा ने काटे थे सूंग, अंजलि की मम्मी लेके आई थी और मेरी मम्मी ने सूंगों की बना दी है लकड़ी। बकरी को भी आ गया हूँ आधे रास्ते तक छोड़ के और बुआ डालने लग गई है गोभी में खाद। जो हमने पिछले साल भैंसों को सूंग खिला रखे थे वो ये लकड़ी है, ये बुआ ने डाल रखे हैं धूप में सूखने के लिए। यीशु ने ऊपर आई है छत में अपनी मम्मी की लेके आई है मांग और देखो इसने अपना ये देखो मांग भी भर दिया। गए हैं बैलों को ढूंढने के लिए इधर पड़ोजा में। इधर यार पेड़ में एक पन्नी टांग रखी है। अब हरी चाचा भी आए मेरे सामने। चाचा बोले देख क्या टांग रखा पन्नी में। ओहो पन्नी तो खाली है यार। सबसे पहले आप सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है चंदन सिंह अस्वाल, स्वागत है आपका देवभूमि उत्तराखंड की इन खूबसूरत पहाड़ों से। तो दोस्तों यार सुबह के 8 बजे हैं, मैंने भी अपनी ब्लॉग की शुरुआत कर दी है। मैं आया हूँ ऊपर वाले छत में धूप सेकने के लिए। पहाड़ों में दोस्तों आजकल सुहाना मौसम, बहुत ही अच्छा मौसम बना हुआ है, न ज़्यादा ठंड है न ज़्यादा गर्मी है। दोस्तों सुबह और शाम के टाइम में है ठंड, दिन में दोस्तों धूप लग रही है। सुबह 8 बजे का कुछ ऐसा नज़ारा है दोस्तों मेरे गांव का। गांव में पूरी धूप आ गई है, अभी हमारे घर के पास धूप आई नहीं है, उधर कोने में आई है आधी छत में नीचे और आधी वाली छत में आई है ऊपर। मम्मी ने दोस्तों जो मिर्च और हल्दी डाल रखी थी अभी ये भी सूखी नहीं है, ये भी ऐसी डाल रखी है हमने सुखाने के लिए। और जो बड़ी डाल रखी थी, बड़ी तो यार आधा ले गया चूहा और आधा बच गई, वो मम्मी ने अंदर रख दी है। सर्दियों में दोस्तों गुड़ वाली चाय बहुत अच्छी होती है। गुड़ मैंने डाल रखा मुँह में और मेरी दिन की पहली चाय हो गई है। ऊपर वाले छत में आके धूप भी सेक रहा हूँ। अभी मेरे को थोड़ी देर के बाद जाना है बैलों को जंगल छोड़ने के लिए। इंतज़ार कर रहा हूँ नीचे से, अभी किसी के भी बैल आए नहीं है। सुबह सुबह भाभी ने भी कपड़े धो दिए हैं अंजू की मम्मी की और अपने डाल दिए हैं सुखाने के लिए। और मेरी बुआ का बन रहा है नीचे नाश्ता, देखता हूँ बुआ नाश्ते में क्या बना रही है। यही बन रहा है दोस्तों मेरी बुआ का नाश्ता में सब्जी। रोटी तो अंजलि की मम्मी ने अंदर बना दी है और बाहर बन रहा है बुआ की सब्जी, साथ में बुआ पी रही है चाय लोटी में। ये देखो यार दोस्तों बुआ मेरी गिलास में नहीं लोटी में पी रही है चाय। ठंड का मौसम है, साथ में सेक रही है आग और बुआ ने रखी है आलू की सब्जी। अंजू की मम्मी भी काट के लेके आ गई है सुबह सुबह सूंग और स्कूल के बच्चे भी जाने लग गए। दिया और राशि गोलू का कर रहे इंतज़ार, अभी गोलू आई नहीं है। और मैं डालने लग गया हूँ यार दोस्तों इधर आलू में पानी। मोंडा ने पानी खोल रखा है तो बुआ ने मुझे काम दे दिया है आलू में पानी डालने का। इस खेत में हमने आलू लगा रखे हैं, आलू और पालक। तो यार दोस्तों पालक भी जमने लग गया है और आलू भी अभी तो जमी नहीं है, तो इसलिए मैं इसमें पानी डाल रहा हूँ ताकि एकदम जल्दी से बढ़ेंगे, क्योंकि बारिश हो नहीं रही ना आजकल, तो इस वजह से पानी डालना पड़ रहा है यार। जब से हमने आलू लगाए ये पहला पानी है। पानी दोस्तों यार पाइप से ही डालना पड़ता है हमें, क्योंकि यहाँ तो बरसात पर निर्भर रहते हैं हम, या ये पाइप वाले पानी से। आलू लगाने के बाद पहला पानी है ये, तो इसमें पालक जम रहा है ना, इस वजह से पानी डालना पड़ रहा है। अभी आलू तो बाहर आया नहीं, पालक लेकिन बाहर आ गया है। ये देखो ये पालक जम रहा है छोटे छोटे। दोस्तों सुबह ऊपर वाले अपने मालदार से पापा ने काटे थे सूंग, अंजलि की मम्मी लेके आई थी और मेरी मम्मी ने सूंगों की बना दी है लकड़ी। और जितने पार्ट हमारे घर ही रहते हैं ना उनको सबको खोल रखा है, वो सब खा रही है सूंग। ये देखो यार कितने अच्छे लग रहे हैं नन्हे नन्हे छोटे छोटे। इतने पार्ट हमारे घर ही रहते हैं यार, 12-13 पार्ट रहते हैं हमारे घर ही में, 7 छोटे हैं और 5 बड़े। मम्मी ने भी बनाई दी है सूंगों की लकड़ी, मम्मी भी लगी है सुबह से काम में। सुबह के 9 बजे पापा की भी होने लगी है अब जंगल जाने की तैयारी। थोड़ी देर के पास पापा भी लेके जाएंगे बकरियों को जंगल। मम्मी ने तो अपना काम कर दिया है ना भाई। ठंडा रेडी नहीं लगी नहीं।
ले आप कहाँ दिल्ली तो नो तो आलू गाड़ में था सन बाहर लग गया अच्छा मतलब तो पचन जुगना काम नहीं होन कहाँ कहाँ गाड़ में ले जाते अच्छा मम्मी ने यार दोस्तों इधर गोभी की खेत में लगा दी है बाड़। दोस्तों सुबह के 9:30 हो गए हैं और होगी हमारी बकरियों की जंगल जाने की तैयारी। सभी बकरियां खोल दी है। बकरियों को भी आ गया हूं आधे रास्ते तक छोड़ के और बुआ डालने लग गई है गोभी में खाद। ये देखो यार दोस्तों बुआ गोबर वाले खाद डालने लग गई है नीचे गोभी में जो मैंने सुबह पानी डाल रखा था इधर गोभी में। अब बुआ डालने लग गई है गोबर का खाद और बकरियों के पाठों के लिए मम्मी ने गर्म पानी रखा है। ठंडा पानी नहीं पी पा रही यार ठंडा बहुत है और पानी रखा हुआ गर्म धूप में रखा है ये गर्म होने के लिए बकरियों के पाठों के लिए। अंजू की मम्मी जंगल से घास काट के आ गई है और खाना भी हमारा बन गया। ये धोने लग गई अब कपड़े। अब ये माई भी आ गई अपनी टोपी धोने के लिए। इसकी टोपी भी बिगा रखी है धोने के लिए। ये देखो ये माई बोल रही है मैं खुद धोऊंगी। ईजे की बुआर धोने में ईजा धोती दे बुआरी में ये जो मम्मी सेवा बढ़िया करनी है यार मम्मी को कोई परेशानी नहीं होने दी। इसको बुआरी भाई इसको मेरे ना बारी भाल मिल ली। देखो चौक में बैठ के धोने लग गई अपनी टोपी। ये भी आंगनबाड़ी स्कूल गई थी आ गई आंगनबाड़ी से। अब बुआ भी नहा रही है थोड़ी देर बाद खाना भी खा लेते हैं। भाभी दे रही है नीचे भैंसों को पानी। जो हमने पिछले साल भैंसों को सूंघ खिला रखे थे वो ये लकड़ी है ये बुआ ने डाल रखे हैं धूप में सूखने के लिए। और इसको हम बाहर जलाते हैं यार आजकल जो लकड़ियाँ ये छोटी छोटी है ना ये लकड़ियाँ हम जलाते हैं बाहर अंदर नहीं जलाते हैं अंदर इसे धुआं लगता है तो ये डाल रख के सुखाने के लिए। उस तो यार 1:30 बज गया और होगी हमारी खाने की तैयारी। खाना खाने लग गया मेरे साथ में ये ईशु भी खा रही है और ये माई भी खा रही है अपने अपने प्लेटों में खा रही है। बुआ ने मेरे को एक मिर्ची भी दी हरी मिर्च। बहुत टेस्टी खाना बनाया यार मेरी बुआ ने। अंजलि की मम्मी भी अपना खाना लेके आ गई है पता नहीं कहाँ गई है। ये मम्मी को दे रही है पानी। बुआ भी आ गई है मम्मी भी खा रही है। उधर अच्छी खासी धूप है यार धूप में बैठ के खा रहे हैं। उधर हमारा किचन ना जो बाहर वाला किचन है वहाँ पर छाया वहाँ पर लग रही है ठंड तो उस वजह से हम इधर धूप में आए हैं आगे छत में खाना खाने के लिए। आगे अंजू की मम्मी भी खाना खाने के लिए। खाओ चुपचाप खाओ मानिए या को मान दे तब सुत मानी पे माने हाँ तो माँ छू तो हाँ। खाना खाने के बाद ना मम्मी भी लग गई है काम में। मम्मी ने जो मिर्च डाल रखी थी सुखाने के लिए ये देखो यार दोस्तों अब ये इसकी करनी लग गई है मम्मी सफाई। सफाई करके मम्मी ने इधर रखे हैं देखो और वो रख रही है अच्छे अच्छे बीज के लिए। हल्दी भी सूखी गई और ये हल्दी तो थोड़ी सी हुई यार 4 तौली में से हल्दी कितनी निकली है देखो ये तो पूरा सूख के होगा 2 किलो। उस साइड में थोड़ा थोड़ा मौसी का है और इस साइड में हमारा उदल तो बहुत ही दिखना चाहिए हुई तो मैं तो कहीं 3-4 साल तले नहीं हो है उदल। अच्छा तो ये मिर्ची सूख गई ना वो वाल तो नहीं सूख रही वो वाल पहली वाल। अच्छा ये यीशु ना ऊपर आई है छत में अपनी मम्मी की लेके आई है मांग और देखो इसने अपना ये देखो मांग भी भर दिया। देखो ये देखो यार मांग भर दिया और अपने हाथों में लाली लगा दी पूरे हाथ लाल कर दिए। ले तो कोई दे मांग में मारे ली खत्म रो तो हाँ। अच्छा अपना हाथल मम्मी ओ ये अपना हाथल देख मांग भरे ये कलाकार छू यार मस्त कल दिए दोस्तों। शाम के 4 बज गए और आ गए हैं बैलों को ढूंढने के लिए इधर पड़ोजा में। इधर यार पेड़ में एक पन्नी टांग रखी है। अब हरी चाचा भी आए मेरे सामने। चाचा बोले देख क्या टांग रखा पन्नी में। ओहो पन्नी तो खाली है यार गजों का आने के टाइम में ना कुछ टांग रखा होगा इसमें। इसमें से सामान गिर गया हाथ नहीं लगाऊंगा यार पता नहीं क्या क्या है इसमें।
जो गज उगाड़ने के लिए आए होंगे ना वो भूल गए होंगे। वैसे ये मांग है पुरदा की, तो भाभी मीनू भाभी आई होगी इधर गज उगाने के लिए, कुछ रखा होगा पेड़ में ही भूल गई। उसी में से चिड़िया ने पन्नी को छेद करके ना सारा उसमें से सब कुछ गिरा रखा है। देखा नहीं मैंने क्या क्या था उसमें। अब इस साइड तो हमारे बैल हैं नहीं, अब देखते हैं कि उस साइड हैं कि नहीं है। तो यार हरी चाचा आए थे इसलिए मैं भी आया था, नहीं तो अकेले मैं नहीं आता। परसों मेरे को डर लगी, फिर रात में वो मुन्नी जी को बुलाना पड़ा, फिर उसने लगाया था मेरे को भभूत, क्योंकि अंधेरा हो गया था, पूरे 6 बज गए थे, दिखाई भी नहीं दे रहा था कुछ। तो हरी चाचा बोल रहे थे चल भाई बैल ढूंढ के आते हैं, फिर नहीं तो रात में बैल आ भी नहीं रहे। देखो यार दौड़ो बुनिया बूट कश बुनिया रहे हैं पुरदा मांग में। ब्याह कर टाइम में साल ना घरों होना मना नहीं करना है। आश्रित चरणा मन तो ब्याह करा लोगों नहीं है। यह नहीं कहा कहा नहीं हो क्या क्या बोल दे आगे आगे गाय जा रही है, गाय के पीछे सारे बैल भाग गए। ये यार आगे ये लाल वाला बबलू चाचा का गाय, बहुत खतरनाक रास्ता है यार ये। ये देखो नीचे है गहरी खाई, देखो यार ब्याह ना बल्दन को चाणू कोई नहीं होना है। जिस दिन तले हरे का छन ना ये हरे का ना को मैं ड्यूट लग रहा है, अगर ये हरे का कहीं ये 4-5 दिन बाद में जून कभी मैं तो जून मई जून में, तो यार ये उस दिन तले ये बल्दन मेकोड़ी खेत में पानी यार रोज़ मेकोड़ी ओण पड़ोल वो गोवाल ना रत्ते तो खेतर जानी, लेकिन ब्याह को चाणू कोई नहीं होना है। उनको पत्ते छना यार ये दी जानी घरे छन कभी तभी नहीं होना यार, पूर्व बटा नंतर ना छुट्टी सी स्कूल है वो होना चाहिए, तो आप हम लोग को ऊन बनो रोज है। अभी हरे का लगा नहीं मिला जानी 2-4 दिन बाद है कभी, तो ये बाद में कोई ऊन बढ़ो वो तो भेल देखी ना यार। देखो जंगो पर जानी बल्दना लेन ये टाइम यसले चिरे करीब 40-50 बल्द जी हर गुआ उन बा बल्द जी, आज 5-6 मोन बा रखी यार बल्द दी बल्द बबलो का नाला छन बिन बबलो का ना बल्द गिने राजी 10 बल्द छन हम तेल घूमी जो रूनू हम और 2 बल्द छन बबलोना 12 बल्द छन यार। जय हो गुलु देवता। खाले खाने दोस्तों शाम के 5:30 बज चुके हैं और चांद भी दिखाई देने लग गया है, अंधेरा होने लग गया यार इधर पहाड़ों में, और गांव वालों ने भी सपने अपने घर के पास लगा रखा है धुआं। शाम के 5:30 बज चुके हैं और चांद भी दिखाई देने लग गया है, अंधेरा होने लग गया यार पहाड़ों में। अभी तक देख रहे थे ये दोनों टीवी और लाइट चली गई इसलिए आ गए हैं बाहर, लाइट नहीं जा रही। हाँ आप बूबा की नाल तो वो बंद करो ना, अपने बूबू की डर से ना टीवी कर दिया बंद। दोस्तों यार आज का अपना ब्लॉग को यहीं पे करता हूँ समाप्त, कल मिलता हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। अगर मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ यार लाइक कर देना, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा हो तो दोस्तों यार प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। कल मिलते हैं दोस्तों एक नए ब्लॉग के साथ।